हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है 8:1 मल्टीप्लेक्सर। हमने लास्ट लेक्चर में 4:1 मल्टीप्लेक्सर, उसका कंस्ट्रक्शन और वो 2:1 मल्टीप्लेक्सर से कैसे बना सकते हैं वो देखा था। अभी हम 8:1 मल्टीप्लेक्सर देखेंगे। अब सबसे पहले 8:1 यानी कि 8 इनपुट लाइंस और एक आउटपुट लाइन। तो 8 इनपुट लाइंस है यहाँ पे, जो कि D0 से लेके D7 तक हम डिनोट करेंगे। अब 2^m = n यानी कि 2^m = 8 है यहाँ पे। तो 8 आने के लिए हमें 3 कंट्रोल लाइंस लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे है A, B और C, ऐसे 3 कंट्रोल लाइंस। ये है हमारा 8:1 मल्टीप्लेक्सर का डायग्राम, जिसमें ए बी सी 3 कंट्रोल लाइंस है, वाई है आउटपुट और D0 से लेके D7 तक है इनपुट्स। अब जैसे हमने 4:1 मल्टीप्लेक्सर को लॉजिक गेट्स से डिनोट किया था, उसी तरह से हम 8:1 मल्टीप्लेक्सर को भी दिखा सकते हैं, जहां पे हमने 8 एंड गेट्स लगाए हैं और एक और गेट लगाया है S2, S1, S0। ये 3 हमारी कंट्रोल लाइन्स है, जिसे 0 और 1 दोनों टाइप्स के आउटपुट है। जहां पे नॉट गेट लगाया है वो हमारा 0 है, और जो सिर्फ लाइन है वहां पे है 1 और ये है 0। अब यहाँ पे देखो S2, S1, S0 ये 3 सिलेक्ट लाइन से Y हमारा आउटपुट है। तो अब ये जो हमारा लॉजिक टेबल है, इसके जरिए से हम देखेंगे किस लॉजिक के लिए कौन सा आउटपुट आएगा। जब तीनों लाइंस 0 होंगी तब D0 मिलेगा। तो हमने यहाँ पे जो ये एंड गेट है उसके जो ये 3 इनपुट्स है वो हमने 0 को कनेक्ट किए हैं। ये देखो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसी तरह से 0 0 1 के लिए D1 है, तो ये है 0 0 और 1, तो फिर हमें मिलेगा D1। इसी तरह से 0 1 0 के लिए D2, 0 1 1 के लिए D3, 1 0 0 के लिए D4, 1 0 1 के लिए D5, 1 1 0 के लिए D6 और 1 1 1 के लिए हमें D7 आउटपुट में मिलेगा। तो इस तरह से हम 8:1 मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट ले सकते हैं, और ये इसका डायग्राम है। अब 8:1 मल्टीप्लेक्सर हम 2:1 मल्टीप्लेक्सर अगर हमारे पास होंगे तो उसको यूज करके भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें 7 2:1 मल्टीप्लेक्सर लगेंगे। तो उसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होगा, जिसमें हमने टोटल 7 2:1 मल्टीप्लेक्सर यूज किए हैं, और इस तरह से हमें वो एक दूसरे को लगाने हैं ताकि हमें 8:1 मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट मिल सके। उसी तरह से हम 4:1 मल्टीप्लेक्सर यूज करके भी बना सकते हैं। तो सिर्फ इसमें हमें एक 2:1 मल्टीप्लेक्सर लगेगा और 2 4:1 मल्टीप्लेक्सर लगेंगे, और हम इस तरह से 8:1 मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट ले सकते हैं। अब कुछ ICs हैं जो मल्टीप्लेक्सर के लिए यूज करते हैं, जैसे कि IC74157। इसके लिए क्वाड 2:1 मल्टीप्लेक्सर है, मतलब 4 2:1 मल्टीप्लेक्सर मिलाकर ये IC बनी है, और इसको सेम एज इनपुट यानी कि जो हमारा मल्टीप्लेक्सर होता है उसका जो इनपुट है, यहाँ पे देखो ये जो इनपुट है वो इस तरह से होगा। जब सेम एज इनपुट लिखा है तब इस तरह से इनपुट होगा, बट जब इन्वर्टेड इनपुट लिखा है यानी कि ये जो इनपुट है यहाँ पे नॉट गेट होगा। यहाँ पे एक नॉट गेट लगाया होगा, तो
जो इनपुट है वो इस तरह से होगा, इसे बोलते हैं इन्वर्टेड इनपुट। सो यहाँ पे देखो IC74157 क्वाड 2:1 मल्टीप्लेक्सर सेम एज इनपुट। IC74153 के लिए ड्यूअल 4:1 मल्टीप्लेक्सर यानी कि दो 4:1 मल्टीप्लेक्सर को मिला के बनी है सेम एज इनपुट। IC74152 जो कि 8:1 मल्टीप्लेक्सर का है इन्वर्टेड इनपुट यानी कि बबल्ड इनपुट होगा। और IC74150 है 16:1 मल्टीप्लेक्सर के लिए जो कि है इन्वर्टेड इनपुट। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो। थैंक यू।